महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल रुद्र सागर एकत्रित विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत चल रहे कार्यों का मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया सहित अन्य अधिकारी व प्रतिनिधियों ने महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों को कलेक्टर एवं निगमायुक्त द्वारा चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी से अवगत कराया गया। महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास इतने बड़े स्तर पर चल रहे निर्माण कार्यों का प्रचार प्रसार उज्जैन सहित अन्य शहरों में भी किया जाए। इस संपूर्ण प्रोजेक्ट का वीडियो बनाकर तथा अन्य माध्यमों से भी प्रचार किया जाए। डॉक्टर मोहन यादव ने सुझाव दिया कि 2000 लोगों की क्षमता का प्रवचन हॉल बनाया जाए, साथ ही प्रवेश द्वार पर सजावट में पीपल का भी उपयोग किया जाए, जिस पर सांसद अनिल फिरोजिया व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। उज्जैन उत्तर विधायक पारस चंद जैन ने कहा, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से बाहरी परिसर में बन रहे प्रवचन हॉल में प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कुछ नया लगाना पड़ेगा ताकि JSR टाइम्स के लिए उज्जैन से कार्तिक गाडेकर की रिपोर्ट। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही